ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतार्थाय। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा के सचिव स्वामी इष्टमयानंद जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आप सब लोगों से मिल सकूं पुनः। वैसे मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, मुझे बीच बीच में बुलाते रहते हैं, कभी बिना बुलाए भी आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है और यहाँ आकर के बड़ा आनंद होता है, पुरानी यादें ताजी होती है। और हमारे गुजरात का ही नहीं, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की चरण धूलि पड़ी है। ये थ्राइस ब्लेसेड डे है, ये थ्राइस ब्लेसेड प्लेस है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी की चरण धूलि है, रामकृष्ण देव की चरण धूलि है, माँ शारदा की भी यहाँ पर रेलिक्स है, एक विशेष तरंगे यहाँ पर हैं। और इसी दिलाराम बंगलों में स्वामी विवेकानंद जी ने तत्कालीन दीवान मणि भाई जशभाई के अतिथि के रूप में निवास किया था। यह कैसी बड़ी बात है, 1892 में भारत का परिभ्रमण उन्होंने किया, विदेश जाने के पहले शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के पहले उसमें समस्त भारत का जो परिभ्रमण किया, सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया, वह गुजरात का गौरव है। और गुजरात की उनकी यात्रा का अंतिम चरण बड़ौदा था, बड़ौदा से फिर वे बम्बई गए, फिर महाबलेश्वर गए, फिर साउथ इंडिया गए, फिर कन्याकुमारी में शिलाखंड पर उन्होंने ध्यान किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और वहाँ से फिर उन्होंने समुद्र पार जा कर के शिकागो विश्व धर्म सभा में जाने का संकल्प लिया। पर शिकागो विश्व धर्म सभा के बारे में सबसे पहली जानकारी उनको गुजरात में मिली, विदेश जाने की प्रेरणा उनको गुजरात में मिली, फ्रेंच भाषा उन्होंने गुजरात में सीखी, यहीं पर से महाराजाओं ने उनको विदेश जाने की प्रेरणा दी। तो इसलिए गुजरात का बहुत बड़ा हाथ है और बड़ौदा भी उस इतिहास का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो ऐसे पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो आज का जो विषय है, आधुनिक मानव शांति की खोज में, समस्या यह है कि जितने यहाँ बैठे हैं उनको देखकर के लगता है कि शांति है आप लोगों के मन में, जिनके मन में शांति नहीं है वो तो आए ही नहीं है। तो फिर भी आप लोग जो आए हैं तो इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो कुछ बातें कही जाएगी शांति प्राप्त करने की, वो बातें आप उनको बता सकेंगे जो नहीं आ पाए हैं। तो जब मैं बताया था पिछले वक्त विदेश जाकर के बाद में वापस लौटा 2018 में वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन्स थी टोरंटो में, तो उस समय विदेश का जो ये विदेश की जो यात्रा हुई उसका प्रेजेंटेशन 2019 में हुआ था।
अब ऐसा ये बड़ा संयोग है कि फिर से मैं अमेरिका जा रहा हूँ और कनाडा जा रहा हूँ 2000 अभी अक्टूबर महीने में 5 से 31 अक्टूबर, उसके पहले ये यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो इतना बड़ा गैप लग हो गया, उसका कारण जिम्मेदार है कोरोना नाम का राक्षस। बीच में 2 साल तो कहीं जाना ही नहीं हुआ, फिर भी आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत ही आनंद होता है आप सबको मिल करके। तो आज का जो विषय है आधुनिक मानव शांति की खोज में, जब मैं अमेरिका जितनी भी बार गया, अभी मैं 5वीं बार जा रहा हूँ, 4 बार गया, उसके पहले यूरोप में जब गया, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि किस विषय पर प्रवचन देना है, तो अधिकांश जगह पर वो बोलते हैं बस आपकी जो किताब है हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ, वो उसी पर आपको देना है। अभी अभी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, पिछले महीने की बात है, वहाँ पर IMT है गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पर उन्होंने टॉपिक्स मैंने तो बहुत दिए थे, मैनेजमेंट के टॉपिक भी थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ था, तो उन्होंने बस वो किताब जो बोले हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ, इस पर ही आप प्रवचन दीजिए। तो वो वहाँ पर मेरा प्रवचन था 1 जुलाई को, और 29 जून को मैं बैठा था उधर दिल्ली आश्रम में, क्योंकि दिल्ली के आसपास है गाज़ियाबाद, तो उस समय एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एम्स के डायरेक्टर वो वहाँ पर आए थे कुछ अपने दिल्ली आश्रम में, तो उनसे ऐसे ही मुलाकात हुई, बोले आप कहाँ से आए, बोले मैं राजकोट से आ रहा हूँ, तो क्यों आए हैं, बोले वो IMT में मेरा लेक्चर है इसलिए, तो क्या टॉपिक है, बोले हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे, अरे यही तो टॉपिक बहुत ज़रूरी हमारे सब डॉक्टर लोगों के लिए, तो आप एम्स में भी आना पड़ेगा। तो मैं बोला कि भाई मैं तो पर्स मेरा तो सब रिटर्न टिकट भी हो गया, उसके ऑनवर्ड भी मेरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो बोले ठीक है कल तो आपका आ सकते हैं, बोले ठीक है मैं देखता हूँ, बोले इतना जल्दी से जल्दी प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने कैसे भी करके ऑर्गेनाइज किया, ये कोइंसिडेंस था, उस दिन दूसरे दिन डॉक्टर्स डे था, तो डॉक्टर्स डे में मैं बीच में घुस गया। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन में एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन उन्होंने इस टॉपिक पर प्रवचन रखा। कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक मानव सचमुच में शांति की खोज में है, पूरा यह जो सब समय शांति की खोज में था, पर आधुनिक मानव विशेष रूप से ये शांति की खोज में है, उसके कई कारण हैं। अभी हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आप समझ सकते हैं 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडस्ट्री के सुख शांति प्राप्त करने के तरीकों के बारे में उसकी कॉन्फ्रेंस, उसके सेमिनार, योगा और ध्यान के बारे में सेमिनार, उसके बारे में जो योगा मेट, योगा की जितनी सारी प्रवृत्तियाँ, उनके इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब मिलकर के जो पूरा बिजनेस चल रहा है हैप्पीनेस बिजनेस, वो एक बिजनेस बन गया। दूसरों को हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं बाद में जिनको चाहिए, पर जो लोग हैप्पीनेस बिजनेस कर रहे हैं उनको वो तो हैप्पी है। वो तो लूट रहे हैं पैसा, एक एक कॉन्फ्रेंस का, एक एक लेक्चर का, एक एक रिट्रीट का, स्पिरिचुअल रिट्रीट का 1,00,000 रुपया पर पार्टिसिपेंट लोग दे रहे हैं। शांति चाहिए ना, चलो ट्राई करो ट्राई करो, तो कभी ड्रग एडिक्शन में भी जाते हैं, वो भी उसके लिए, अभी इसके लिए हैप्पीनेस इंडस्ट्री ऑल्सो इज बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इट मे बिकम द 2nd लार्जेस्ट वेरी सून। तो इससे पता लगता है, और जब भी मैंने बोला, जब भी मैं विदेश गया तो सब लोग वही टॉपिक रखना चाहते हैं, हैप्पीनेस एंड पीस, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ पीस, यही पीस टॉपिक पर चाहते हैं, दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम। तो क्यों ऐसा हो गया अचानक, शांति तो सब समय चाहिए थी सब लोगों को, सुख भी चाहिए था, ऐसा तो नहीं है, नई बात है, पर अभी अभी क्यों इतना टेंशन, सभी लोग टेंशन में हैं। किसी भी पूछो कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन, फिर पूछो अच्छा कोई समस्या तो नहीं, अरे बाबा इतनी समस्या है, कंप्यूटर में डालोगे कंप्यूटर फेल हो जाएगा, सबको समस्या है। इतनी छोटी सी बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, बहुत टेंशन में है, इतनी छोटी बच्ची टेंशन में, इतनी छोटी सी बच्ची, क्या हो गया,
बोले मैं अभी सीनियर केजी में हूँ, लास्ट ईयर जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, अभी मम्मी ने कहा है इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो अभी टेंशन में हूँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊँगी। तो कितनी कॉम्पिटिशन की ये जो भावना, पेरेंट्स कितना प्रेशर दे रहे हैं बच्चों पर, ये बच्चे कितने सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कोटा में इतना सुसाइड क्यों हो रहा है, रोज उनको थ्रेटनिंग आता है, तेरे लिए मैंने 35 लाख का लोन लिया है बैंक से, 1 करोड़ का लोन लिया है, तुझे यू हैव टू डिलीवर योर, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वहाँ तो समझ में ना, अरे गधे को तुम कितना भी बाघ का छाल पहना दोगे तो बहुत बाघ थोड़ी हो जाएगा। अभी सब लोग इंजीनियर बनेंगे, सभी IIT में जाएंगे तो IIT की वैल्यू क्या रहेगी, तो 99% लोगों को तो सुसाइड करना ही है आज ना कल, क्योंकि एडमिशन तो 1% को मिलना है या 0.001% को मिलना है। तो ये जो क्रेज हो गया कि मेरे को हमको इसी में जाना है, IIT में जाना है, उसी में जाना है, और एक इंडस्ट्री खुल गई। अब उनको तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, जो लोग ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग क्लास कर रहे हैं कोटा में या दूसरी जगह पर, सभी को IAS ऑफिसर बनने का, कलेक्टर बनना है। फिर बाद में देखा कि गोबर उठाने का टाइम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा पैसा उसमें मिल जाता, कलेक्टर का ही सपना देख रहे हैं, सभी लोग सपना देखना बुरा नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए जो भी हो। पर ये अनड्यू एक्सपेक्टेशन, दिस इज वन कॉज ऑफ दिस मेंटल अनरेस्ट या टेंशन। कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ गई, ये एक और टेंशन। दूसरा है कि जनरेशन गैप आ गई। फ्यूचर शॉक नाम की किताब है एल्विन टॉफलर की, उसमें लिखा है, उसने बहुत साल पहले वो किताब लिखी थी, उसमें लिखा था द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सलेटेड स्पीड दैट द सोसाइटी विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। ये समय आज आ गया, इतने जल्दी से जनरेशन बदल रही है, जमाना बदल रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इतना जल्दी से आगे बढ़ रही है, और उसके कारण ये जो जनरेशन्स की जनरेशन्स बदल रही है, तो जनरेशन गैप जो हो रही है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। कोई परिवार में शांति नहीं है। अच्छा पहले तो ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी, तो चलो ज्वाइंट फैमिली थी, सास बहू के झगड़े होते रहते थे, अभी सास को दे दिया ओल्ड एज होम में तो वो तो प्रॉब्लम चलो सॉल्व कर दिया, अभी दूसरा प्रॉब्लम है मम्मी और उसके बच्चे के बीच में झगड़ा हो रहा है। अरे सास बहू का झगड़ा तो बहुत पुराना था, चलो उसको सॉल्यूशन कर दिया, वो सास को उठा करके पटक दिया, उसमें ओल्ड एज में डाल दिया, चलो अभी ये जो बच्ची है उसके और उसके मम्मी के बच हो नहीं रहा है, माँ और बेटी के बीच में झगड़ा हो रहा है, जनरेशन गैप आ गई है। राजकोट में हम लोग जैसे यहाँ पर होता है हर साल कॉम्पिटिशन हम लोग करते हैं, एनुअल कॉम्पिटिशन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, वहाँ भी राजकोट में बहुत साल से हो रहा है, तो वहाँ पर उसमें एक स्टूडेंट आती थी, वो उस समय माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ती थी वहाँ के एक कॉलेज में, तो वो कॉलेज में से वो इलोकेशन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी और फर्स्ट आती थी, बहुत अच्छा स्पीच देती थी। जनरेशन गैप हो गई, आजकल के माँ बाप युवाओं को समझते नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, देर इज़ अ बिग जनरेशन गैप, ऐसा करके बहुत लेक्चर देती थी और फर्स्ट प्राइज भी ले लेती थी। अब ऐसा हो गया अद्भुत संयोग, वो माइक्रोबायोलॉजी में उसने MSc वहीं से किया, उसी कॉलेज में वो लेक्चरर बन गई, तो मेरे पास जब स्टूडेंट थी तभी से मेरे पास आती थी, तो लेक्चरर जब बन गई तो उसके 2 साल बाद आके बोले स्वामी जी मैं खुद जनरेशन गैप के ऊपर लेक्चर देती थी, अभी मेरे स्टूडेंट बोल रहे मैडम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अस, देयर इज जनरेशन गैप। हाय हाय, 2 साल में मैं बूढ़ी हो गई। अरे मैं ही जनरेशन गैप के बारे में बोल रही थी, अभी मैं स्टूडेंट थी तब, अभी मैं लेक्चरर हो गई तो मेरी स्टूडेंट मुझे बोल रही है मैडम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अस, देयर इज अ जनरेशन गैप। तो पहले जनरेशन गैप 100 साल में होती थी, 50 साल में, अभी 2-2 साल में जनरेशन गैप हो रही, 5 साल में जनरेशन गैप हो रही। तो जनरेशन गैप इज अनदर बिग प्रॉब्लम। और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आप एक सोफा पर बैठ करके अपने फ्रेंड के साथ 1000 मील दूर है बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया,
बहुत कम हो गया। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए मुंबई से निकले थे जहाज में, उस समय हवाई जहाज तो था नहीं, एरोप्लेन था नहीं, जहाज में निकले थे। 31 मई 1893 रवाना हुए, 25 जून वो जाकर के शिकागो पहुँचे बाय स्टीमर। पहले वैनकूवर गए, वैनकूवर से फिर ट्रेन में पहुँचे। तो आप सोच लीजिए कितना उनको टाइम लगा। तो डेढ़ महीना करीब करीब, 25 जुलाई तक पहुँचे, तो करीब करीब जून पूरा महीना और जुलाई पूरा, समझ जाइए डेढ़ दो महीने उनको लग गया। अभी मैं जाने वाला हूँ, सुबह 2 बजे की फ्लाइट है मेरी दिल्ली से, सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क पहुँचूँगा। हालांकि वो लगता है पाँच घंटा नहीं है, 14 घंटे का फ्लाइट है, पर वो तो घड़ी वहाँ की अलग, सबका टाइम डिफरेंस है, उसके कारण जो भी हुआ 14 घंटे में हवाई जहाज में पहुँच गया। 2 महीना और 14 घंटा, तो फिजिकल डिस्टेंस तो कम हो गया, भौतिक दूरी कम हो गई और मानसिक दूरी और बढ़ गई। सोफा पर बैठे बैठे आप अपने मित्र के साथ हजारों मील दूर है, बढ़िया कम्युनिकेट कर सकते हैं ISD के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, बढ़िया। परंतु पैराडॉक्स ये है, विडंबना यह है, उसी सोफा पर बैठी अपनी पत्नी के साथ 6 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कम्युनिकेशन। पति देवता इस तरफ देख रहे हैं, पत्नी इस तरफ देख रहे हैं। मैं जब राजकोट से आया था, बहुत साल पहले की बात है, तो बड़ौदा में लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था, तब तो प्राइवेट सेंटर था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो लेक्चर होने के बाद मैं वापस राजकोट जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर था, खड़ा था। थोड़ी दूर पर पति पत्नी खड़े थे, परंतु पति देवता एक तरफ देख रहे थे, पत्नी दूसरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद पति देवता ने बड़े धीरे से पूछा, अच्छा ये ट्रेन इतनी लेट क्यों है, बड़े धीरे से पूछा। और पत्नी गुर्रा करके बोली एक बाघिन के समान, मैं स्टेशन मास्टर हूँ, जो मुझे पूछ रहे हो ट्रेन इतनी लेट क्यों है, इतना जोर से वो बोली कि वो पति देवता घबरा करके 5 फीट दूर फेंका गए। तो मैंने देखा, एकदम भगा बेचारा, इतना डर गया वो। ये तो मैंने अपने देखा हुआ है यहीं बड़ौदा स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर। ये है, फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया, भौतिक दूरी कम हो गई, मानसिक दूरी बहुत बढ़ गई। एक दूसरे के साथ रहते हैं, परंतु अबोला लीधा छ, बोलवानू नहीं, स्लिप दे दे कर बात करते हैं। फिर एक दिन पति देवता ने स्लिप में लिख करके कहा, कल सुबह मुझे फ्लाइट लेने की है, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, तो मुझे 6 बजे उठा देना। ये करके पत्नी को उसने स्लिप दे दिया। दूसरे दिन देखा 8 बज गया है, सुबह उठा 8 बजे, रोज जैसा उठता है, और एकदम से इतना वो तो क्रोधित हो गया, तुरंत तो उसने स्लिप लेकर के भेजा, तुमको मुझे बोला था मैंने कि मुझे 6 बजे उठाना, क्यों नहीं उठाया। पत्नी ने लिख करके बोला, ठीक आप तकिए के नीचे देखिए, ठीक 6 बजे मैंने लिख करके स्लिप रखी थी, उठ जाइए। अरे मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, तो मैंने ठीक लिखा था, उठ जाइए 6 बज गया है। ये माजरा है, ये विडंबना है, ये भौतिक दूरी कम हो गई, मानसिक दूरी बढ़ गई। और एक बात है, एक राक्षस ये पहले अमेरिका में आया, यूरोप में आया, भारत में आया, अभी हमारे घर में घुस गया है। राक्षस का नाम क्या है? राक्षस का नाम है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। मोबाइल तो है ही राक्षस, तो पर पॉकेट में, इसलिए उसको बोल नहीं सकते, उसको बुरा लगेगा, 24 घंटे का साथी है वो, बाकी सब को छोड़ सकते, मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो राक्षस है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म का और भी विकृत स्वरूप है एफ्लुएंजा। अभी अमेरिका में सब पेरेंट्स ने मिलकर के एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई है। व्हाट इज एफ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा तो हमको मालूम है, कभी कभी होता भी है, ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, एफ्लुएंजा है
एफ्लुएंट लोगों को होता है, मतलब जो बहुत पैसे वाले उन्हीं को होते हैं, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु वहां पर अमेरिका में एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई है। एफ्लुएंजा है क्या कि वो जो एफ्लुएंट पीपल है उनके जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं, इसके दो जूते हैं तो मेरे तीन जूते हैं, उसके तीन है तो मेरे चार हैं, उसके एक कार है तो मेरे पास दो कार है, और जितना उनको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिलती हैं उतना उनका असंतोष बढ़ते जाता है। दे बिकम प्रे ऑफ नुगिन न्यूरोसिस नाम का जो रोग है वो लग जाता है। फिर वो बढ़ने के बाद फिर अशांति बढ़ जाती है, दे बिकम प्रे ऑफ सिज़िनोफ्रेनिया, और फिर उसके बाद में ड्रग एडिक्शन, फाइनली सुसाइड। इससे बचने के लिए उन्होंने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई कि बच्चों को वीकेंड में गांव में ले जाते हैं, गांव की तरफ, कि देखो इनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, आपके पास दो दो कार है फिर भी आपको चाहते हैं और कार और जूते, इनका देखिए ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनको सिंपल लाइफ बताते हैं, सिंपल लाइफ स्टाइल में भी कैसे ये लोग आनंद में रह रहे हैं, उनका पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। ये इन्फ्लुएंजा हम सोच रहे थे भारत में तो होगा नहीं, भारत में तो अभी गरीब देश है, अभी इट इज़ नॉट इवन ए डेवलप्ड कंट्री, अभी डेवलपिंग कंट्री है, पर फिर भी यहाँ इन्फ्लुएंजा आ गया, क्योंकि भले 25% बिलो पॉवर्टी लाइन है, फिगर बदलते रहते 20-25% जो भी होगा, वी विल नॉट गो इन टू स्टैटिस्टिक्स, पर काफ़ी लोग गरीब है। तो ये 20-25% जो गरीब है, तो हम सोचते हैं कि हमारा देश तो गरीब है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं 2% और 3% जो लोग पता नहीं उनको कि पैसा कैसे खर्च करें, इतने अधिक धनवान हैं। नंबर ऑफ बिलियनर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पुअर पीपल ऑल्सो पॉवर्टी इंक्रीजिंग इन इंडिया, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया के बहुत बढ़ रहे हैं, ये इससे पैराडॉक्स, ये भी बढ़ रहे हैं। अभी तक अमेरिका में अभी अभी एक जोक आई थी, एक कार्टून आया था जिसमें अमेरिका में बच्चे लोग जब खाना खाते थे तो उनके पेरेंट्स बोलते थे देखो झूठा कुछ मत छोड़ो, वहाँ के बेचारे भारत के लोगों को बच्चों को खाने नहीं मिल रहा है और तुम यहाँ पर झूठा छोड़ रहे हो, वेस्ट कर रहे हो फूड को, बेचारे लोग को खाने नहीं मिल रहा है। अभी उल्टा हो गया, उन्होंने एक न्यूज़ आइटम सुनी, अभी लास्ट ईयर ऐसा हुआ कुछ महीने पहले की बात है कि एक लड़के का बर्थडे था, तो उसने हरियाणा की उस तरफ का पता नहीं किस तरफ का है, तो उसने ये कहा अपने पिताजी को मेरे बर्थडे में जागुआर कार देना, गिफ्ट में देना। तो जागुआर कार देखा भी नहीं हो, पता नहीं, नाम भी सुना है, और तो बोले मेरे को जागुआर कार देना। तो पिताजी ने एक बहुत बढ़िया उसको मर्सिडीज बेंस कार गिफ्ट में दी। आप सोच सकते हैं मर्सिडीज बेंस कार, मैं समझता था कि मर्सिडीज बेंस कार के ऊपर कुछ नहीं है, अभी तक ये सोचता था। अभी वो लड़के को इतना गुस्सा आया, वो मर्सिडीज बेंस कार को जा करके समुद्र में डाल दिया, इतना गुस्सा आ गया उसको कि मैंने आपको जागुआर बोला था और आपने हमको मर्सिडीज बेंस दे दिया, मर्सिडीज बेंस कार। मर्सिडीज बेंस कार 50 लाख की 40 लाख की गाड़ी को उसने समुद्र में डाल दिया, इतना गुस्सा आ गया। अब ये खबर पहुंची अमेरिका, अब अमेरिका के लोग परेशान हो गए कि वहाँ भाई इंडिया में इतना आगे बढ़ गया है इंडिया कि बच्चे लोग मर्सिडीज बेंस को समुद्र में डाल रहे हैं। तो अभी बोले उल्टा है, अपने बच्चों को बोलते देखो 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 ये अभी अच्छी तरह पढ़ाई करो, नहीं तो ये बच्चे लोग मर्सिडीज बेंज कार है उसको समुद्र में डाल रहे, वहाँ से उठा के तुमको उसमें बैठना पड़ेगा। और ये जितने सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सभी इंडियन ला रहे हैं और तुम लोग को उनके अंडर में नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई करो, अभी उल्टा बोल रहे हैं वो लोग। जो भी हो, पर ये जो एक ट्रेंड आ गया जहाँ पर कि पैसे के पीछे सब पागल हो रहे हैं, सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, और सबके मन में एक इक्वेशन आ गया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, वेयर H इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड M इज इक्वल टू मनी, जितना पैसा आएगा बस उतना संतोष बढ़ेगा। पर क्या यह सच है? हम देखते क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा उनको बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो सुख शांति ज़्यादा होनी चाहिए, पर अभी क्या देखते क्या है कि
जितने देश है सबसे ज्यादा जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें सुसाइड का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। सिज़ोफ्रेनिक माने मानसिक जो रोगी है बढ़ रहे हैं ज्यादा, आत्महत्या ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है? वहां के लोग सुखी नहीं है, उनके मन में शांति नहीं, तभी तो आत्महत्या कर रहे हैं, तभी तो आत्महत्या बढ़ रही है। इंडिया में बढ़ रही है पर कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्री से अभी भी कम है। जो पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है 12.5 पर लाख, पर ये हमारा अभी 9.5 पर लाख है इंडिया का सुसाइड रेट, बल्कि अमेरिका और सोकॉल्ड डेवलप्ड कंट्री का बहुत ज्यादा सुसाइड रेट है पर लाख। तो क्या बताता है कि उस देश में अभी भी मन में शांति नहीं है, पैसा तो बहुत है। तो हम जो सोचते थे कि पैसा आने से ही मन में शांति आएगी, ये तो गलत इक्वेशन हो गया। एक बहुत अच्छी किताब आई है एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, दाना जोहार ने पुस्तक लिखी है, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि देखो वी आर नाउ लिविंग इन अ डम्ब सोसाइटी वेयर वी हैव लॉस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हमारे दिमाग का दिवाला निकल गया है, केवल आईक्यू, ज़्यादा ज़्यादा कोई ईक्यू पर जाता है परंतु एसक्यू की तरफ कोई नज़र नहीं देता है जो सबसे ज़्यादा महत्व का है। यदि हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पीस, इटर्नल लाइफ, इटर्नल पीस यदि चाहते हैं तो हमें एसक्यू डेवलप करना पड़ेगा। उस संदर्भ में कितने डम्ब हो गए हम लोग, हमारी हाउ डम्ब इज़ द सोसाइटी, उसके बारे में एक मज़ेदार एक किस्सा उसमें बताया। By the side of the Mexican coast, there was a management consultant. Mexican coast के पास में एक management consultant बैठा था, और थोड़े दूर पर एक नाव में एक मछली पकड़ने वाला वो सो रहा था। दोपहर का समय था, तो उसने कहा ए मछली क्यों नहीं मार रहा है, अभी तो दोपहर का समय है। उसने सोते सोते कहा बाबूजी बात यह है कि सुबह सुबह में मैं बहुत बड़ी एक मछली मिल गई, तो मैंने उसको बेच दिया तो बहुत सारा पैसा मिल गया, तो मेरा आज का कमाने का कोटा पूरा हो गया, तभी मैं आराम फरमा रहा हूँ। हाँ इसमें भी कोई कोटा सिस्टम होता है रे? अरे अभी मछली मार तो अभी और पैसा मिलेगा, पर मैं करूँगा क्या पैसा का, एक्स्ट्रा पैसा क्या करूँगा, जितना मुझे चाहिए आज का तो मिल गया है। बोले क्यों? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट? डिपॉजिट शब्द ही नहीं जानता था। बोले हाँ डिपॉजिट करना, बैंक में अकाउंट खोल दे तेरा, उसमें डिपॉजिट करना। फिर बोले ऐसा डिपॉजिट करते करते जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो एक दूसरी नाव खरीद लेना। फिर बोले दूसरी नाव खरीदेगा तो और मछली मिलेगी तो और पैसा मिलेगा, फिर पैसा का करूँगा क्या, फिर डिपॉजिट करना, फिर तीसरी नाव खरीदना। ऐसा करते करते यू विल बिकम CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी का तू CEO बन जाएगा, तेरे पास बहुत सारी नौका रहेगी। फिर देन यू मूव योर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में अपना हेडक्वार्टर दे देना, वहाँ से सारे वर्ल्ड में ब्रांचेस खोल देना। फिर बोले फिर तेरा बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो फिर तुझे सारे देश विदेश में यात्रा करनी पड़ेगी। फिर तो जब देश विदेश यात्रा करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बाईपास सर्जरी होगी, जब 3 बाईपास सर्जरी होगी डॉक्टर बोलते हैं नो मोर, अब इसके बाद बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती आपकी। तो फिर बोले ये जितनी प्रॉपर्टी सब बेच देना, कंपनी को बेच देना, वो पैसा लेकर के मेरे पास आना, आई एम एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड, मैं तुमको बोल दूंगा कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना। ऐसे तुम इन्वेस्ट करोगे तो हर महीना तुझे फिक्स्ड इनकम आएगी और तू आराम से सो सकेगा, ट्रैंक्विलाइजर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सर मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने मुझे जगाया। डाना जुहार बोलती है आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। फिर बोलती है ये दिस फिशरमैन हैज गॉट लो IQ, ही डजंट नो हाउ टू मेक मनी, इसका IQ लेवल कम है, पर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का IQ लेवल हाई है, ज्यादा है, उसको मालूम है कैसे पैसा कमाना। परंतु ये फिशरमैन का SQ लेवल ज्यादा है,
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज्यादा है, उसको मालूम है कि जीवन का लक्ष्य सुख और शांति है, पैसा नहीं है, पर उसका जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का एसक्यू लेवल कम है. व्हाट वी वांट इज डेवलपमेंट ऑफ एसक्यू. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमको चाहिए. हमको आज जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है. सब लोग भेड़ धसान के समान जा रहे हैं. सभी लोग पैसे के पीछे पागल, अपने पीछे पागल, सभी कैरियर के पीछे, सभी कैरियर डेवलपमेंट के पीछे पागल, सभी लोग पैकेज के पीछे पागल, पैकेज प्रकार पर, सभी लोग अभी चार्टर्ड अकाउंट बनते, हम भी चार्टर्ड अकाउंट बनते, सभी ये बन रहे, सभी लोग हम लोग ये कर रहे, सब एक के पीछे एक पे जा रहे हैं, सोच नहीं रहे जीवन का उद्देश्य क्या है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ. छोटी सी जेन स्टोरी है. एक घोड़ा जोर से दौड़ रहा था, तो किसी ने पूछा, जो घोड़े पर सवार था उसको बोला, ए कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. तो उसने बोला, आस्क द हॉर्स, घोड़े को पूछो. क्यों, मैं घोड़े को नहीं ले जा रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा है. तो जीवन हम नहीं जी रहे हैं, जीवन हमको जी रहा है. सब भेड़ जा रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं है जाना कहाँ है. अच्छा दौड़ तो रहे हो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, पर कहाँ जाना. बोले अभी वो पूछने का भी टाइम नहीं, बोलने का भी टाइम नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं. सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, टाइम नहीं है. बिल्कुल, अरे थोड़ा सा किताब, नहीं टाइम नहीं है, थोड़ा ध्यान करो, नहीं टाइम नहीं है. क्यों, बस कॉम्पिटिशन, ये कोचिंग क्लास, ट्यूशन, ये सब पर क्यों, क्या पर वो पूछ लो मत. अभी वो मेरा फ्रेंड जा रहा है, उसको मैं भी उसी प्रकार से कुएं में गिरना चाहता. सब कनाडा जा रहे, चलो हम भी कनाडा, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब ऑस्ट्रेलिया. कोई सोच नहीं रहा है जाना कहाँ है, उद्देश्य जीवन का क्या है, क्या जीवन का लक्ष्य है. ये भटक गए हम लोग. दिस इज द थिंग, हम लोग भूल गए जीवन का लक्ष्य क्या है. और हम लोग मन की शांति को खोज रहे हैं, पर गलत जगह पर खोज रहे हैं. एक बुढ़िया थी, रो रही थी. एक भले आदमी ने कहे, बुढ़िया रो के रहे इतनी, तो देख तो बेटा मेरी सुई खो गई. तो उसमें द्रौपदी क्या, चल मैं खोज देता हूँ. उसने भी खोजा, मिला नहीं उसको. फिर उससे ट्यूबलाइट हुई, ए सुई कहाँ खो गई थी. बोले बेटा भीतर कमरे में खो गई थी. हैं, और तू यहाँ बरामदे में खोज रही है. बोले बात है ना, उधर अंधेरा है, इधर उजाला है, तो इधर खोज रहे हूँ. हजार साल तक खोजो, सुई मिलेगी नहीं. खोई कहाँ है, भीतर के कमरे में. खोज कहाँ रही है, बाहर बरामदे में, क्योंकि यहाँ उजाला है. ये हम सब की कहानी है. हम सब मानसिक शांति खोज रहे हैं. कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल की कार में, लेटेस्ट मॉडल के मकान में. सभी को पूछ रहे हैं, हाँ बस बस बस, अभी थोड़े समय में हमको शांति मिलने ही वाली है. क्यों, अभी लेटेस्ट हमने एक मकान बुक कराया है, भले एक बहुत बड़ा, अभी तो दो कमरा था, 3 BHK का बहुत बड़ा बढ़िया मकान, अपार्टमेंट है, और एकदम फैसिलिटी सब है, और ये सब स्विमिंग पूल, ये सब बढ़िया थे, वो पूरा है. बस उसके बाद शांति शांति मिलेगी. लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल के मकान में, लेटेस्ट मॉडल के इसमें ड्रेस में, सब में हम शांति खोज रहे हैं. मिलती है, मिलती तो है, पर टिकती नहीं है. लेटेस्ट मॉडल की कार ले ली, कितना मजा आया, सबको दिखाया, 2 हफ्ते बाद पड़ोसी के पास और दूसरी लेटेस्ट मॉडल कार आई, मुंह छोटा हो गया, गया खत्म, शांति गई, नदारत आती है पर टिकती नहीं है. जो शांति बाह्य पदार्थों पर टिकी हुई है वो तो जाने ही वाली है. पर वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है. इसीलिए कबीर ने कहा, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में. शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं. इसीलिए दूसरा उनका गीत है जो स्वामी विवेकानंद गाया करते थे, उनका फेवरेट गीत था, आपको रामकृष्ण कथामृत में भी मिलेगा. रामकृष्ण कथामृत में जितने भजन हैं उनकी 6 CD बनाई गई, 6 CD बनाई गई, सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता, Part 1, Part 2, ऐसा करके 6 पार्ट. उसमें 4th पार्ट में साइड ए में जो भजन है वो हिंदी भजन है जो स्वामी जी गाया करते थे, बाकी सब तो बंगला भजन है. और 4th पार्ट में साइड बी में बंगाली भजन है जो स्वामी विवेकानंद गाया करते थे. उसमें आप देखेंगे 4th पार्ट में
वो आता है भजन, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फ्रे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। पीले रे अवधुत हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रसकारे। ये गीत स्वामी जी का फेवरेट था, वो गा के सुनाते थे। कथामृत में आपको ये रिफरेंस मिलेगा। पीले रे अवधुत हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रसकारे, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। ये जो कस्तूरी मृग एक पाया जाता, मृग माने हिरण, एक विशेष प्रकार का हिरण जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, हिमालय में पाई जाती है, हिमालयन डियर। वो क्या करता है, बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? उसको कहीं से कस्तूरी की सुगंध मिल रही है। तो कस्तूरी की सुगंध कहाँ से मिल रही है, कहाँ से आ रही है, उसको खोजने के लिए बहुत दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते थक करके गिर के मर जाता है। पता लगता है वो जो कस्तूरी उसके खिद के पेट में थी, उसकी गंध उसको मिल रही थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सतगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। ये हम सब की स्टोरी है, हम सब की कहानी है। भीतर में है शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जिसके भीतर वो शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत नहीं है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एष सर्वेषु भूतेषु, कहीं वहां ब्रैकेट नहीं ले गया, सर्वेषु भूतेषु माइनस सो एंड सो, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, पर दिखता नहीं है। गुणो आत्मा, छिप करके वो आत्मा बैठा हुआ है, इसलिए दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो प्रमाण क्या है? हमको तो उसकी अनुभूति नहीं होती, तो प्रमाण क्या है? दृश्यते, किसी के ने से उसके दर्शन किए हैं। किसने दर्शन किए हैं? यही उसका प्रमाण है। किसी ने तो दर्शन किए हैं, ये उसका प्रमाण है। हमको भले दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी मन की अभी वो अवस्था नहीं है हमारे पास, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। और जिनका चित्त शुद्ध है वो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, उन लोगों ने उनका दर्शन किया है, ये इस बात का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद जब विद्यार्थी थे, नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, बोले उनको सत्य का साक्षात्कार करने की बहुत इच्छा थी, परंतु कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब उन्होंने पाश्चात्य जो विद्वानों की जो बातें हैं, वो जो किताबें हैं, बहुत पढ़ के रखी थी, इसलिए अज्ञेयवादी हो गए थे। बोलते नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, मुझे तो प्रमाण चाहिए, प्रमाण, वकील का लड़का हूँ मैं। और सचमुच उनके वकील तो बहुत बड़े हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे, विश्वनाथ दत्त। तो बोले मुझे प्रमाण चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसीलिए जो भी संत आते थे उनको जाकर के पूछते थे, आध्यात्मिक बातें होने के बाद वो एक प्रश्न अवश्य पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकता था, बड़े निराश होते थे। फिर उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत ध्यान करते हैं दिन रात, गंगा में एक जहाज में एक केबिन में बैठ करके ध्यान करते हैं, ये उनके बारे में सुना। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के अधिष्ठाता, वो तो खुद भी ब्रह्म समाज के मेंबर थे, आदि साधारण ब्रह्म समाज के। तो एक दिन देवेंद्रनाथ टैगोर के वहाँ चले जाते हैं केबिन में, देखा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने कहा महर्षि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। अच्छा, आप तो बहुत ध्यान करते हैं, मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने थोड़ी देर तक तो देखा उनको, फिर बोले बेटा तेरी आँखें बड़ी सुंदर हैं,
योगी की सभा ने, स्वामी विवेकानंद बहुत निराश हो गए, नरेंद्र नाथ बड़े निराश हो गए, अरे मैं क्या पूछता और क्या उत्तर देना। मैं बोला आपने ईश्वर को देखे? बोले बेटा तेरी आंखें सुंदर है। अरे मुझे मेरी आंखों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। फिर एक दिन जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, गए थे वहाँ पर कॉलेज में, उस दिन ऐसा हुआ अद्भुत, ऐसा संयोग कि इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं आए थे, प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने आए और पढ़ा रहे थे किताब, एक पोएम है, पोएम का नाम है एक्सकर्शन, वर्ड्सवर्थ की कविता में वो आता है एक्सकर्शन नाम का पोएम, जिसमें कवि कहते हैं कि इस प्रकार से प्रकृति का सौंदर्य देखते देखते वो अति चेतनावस्था में, समाधि अवस्था में चले जाते हैं, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। ये जब वर्णन उन्होंने बताया प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने, तब विद्यार्थी ने पूछे सर सचमुच में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए, समाधि अवस्था में चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तब उन्होंने कहा हाँ ऐसा पॉसिबल है, मैंने स्वयं ने एक व्यक्ति को देखा है जिसको इस प्रकार से समाधि की अवस्था बारंबार होती है, और यदि तुम लोग चाहो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में ही रहते हैं, दक्षिणेश्वर कालिका मंदिर है, वहाँ रामकृष्ण परमहंस नाम के व्यक्ति रहते हैं। तो बस फिर नरेंद्र नाथ ने चलो ये बाबा जी को भी देखते हैं, इनकी भी परीक्षा लेते हैं, चले निकले गए वहाँ दक्षिणेश्वर, और रामकृष्ण देव उस सब अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठ के भक्तों से बात कर रहे हैं, भक्त लोग सब नीचे बैठे थे, नरेंद्र नाथ भी नीचे बैठ गए, थोड़ी देर बैठे सब बातें सुनी। अच्छा बोले आपने भगवान की बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अच्छा अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने क्या स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला। श्री रामकृष्ण देव ने कहा हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। फिर उन्होंने कहा जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन प्रायः करता हूँ। फिर उन्होंने और कहा यदि तू चाहे तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूँ, पर तुझे साधना करनी होगी। ये बात रामकृष्ण देव ने कही, ये है धर्म का विज्ञान। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी मिलेगा, हा? क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पानी कैसे बनेगा जी, हम विश्वास नहीं करते। अरे विश्वास करने की बात ही हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, आप आओ प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस करो, फिर आपको पानी नहीं मिलेगा फिर आप बोलना प्रमाण, जाओ लेबोरेटरी में, प्रमाण ही प्रमाण है, पर बिना यहां बैठे बैठे नहीं होगा, लेबोरेटरी में जाना होगा। उसी प्रकार से रामकृष्ण ने कहा हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो, लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। और नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, साधना की, और सचमुच में उन्हें काशीपुर उद्यान बाटी में निरुकुल समाधि की प्राप्ति हो गई, दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। क्योंकि उनको फिर बाद में ये बात अलग है, रामकृष्ण ने कहा हो गया अब चाबी मेरे पास रहेगी, चाबी ताला लगा दिया, आखिरी में जब माँ का, जगदम्बा का, ईश्वर का काम हो जाएगा फिर चाबी खुलेगी, अभी तुझे ये समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। बहुत प्रयत्न किया बाद में नरेंद्रनाथ ने, हिमालय में भी गए, अल्मोड़ा में गए, सब जगह, पर इन्होंने चाबी बंद करके रखा, ताले नहीं, अभी जगदम्बा का काम करना, ईश्वर का काम करना है। 4 जुलाई 1902 को फिर चाबी खुली, फिर महासमाधि में लीन हो गए। पर क्योंकि उनको काशीपुर उद्यान बाटी में वो साक्षात परमेश्वर के दर्शन हुए थे, वो समाधि अवस्था प्राप्त हुई थी, इसलिए अपनी अनुभूति के आधार पर शिकागो विश्वधर्म सभा में वो बोल पाए थे श्वेता श्वेत उपनिषद का श्लोक, शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्यपन्ता विदितेनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा हे अमरीकावासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इसी नाम से बुलाना चाहता हूँ, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। अमृत से पुत्रा,
व्हाट ए वंडरफुल एपिथेट, अमृत से पुत्र, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये डिविनिटीज आर नॉट सीनर्स, इट इज अ स्टैंडिंग लेवल ऑन ह्यूमन नेचर. कम अप ओ लॉयंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूशन दैट यू आर शीप, योर सोल्स इमॉर्टल, स्पिरिट्स फ्री, ब्लास्ट एंड इटर्नल, ये आर नॉट मैटर, ये आर नॉट बॉडीज, मैटर इज सर्वेंट, नॉट ई द सर्वेंट ऑफ मैटर. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो. तुम्हारे आत्मा के भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है. रोते क्यों हो भाई, क्यों अपने आप को पापी बोलते हो? वेदांत डज नॉट रिकॉग्नाइज सीन, इट रिकॉग्नाइजेज एरर, द ग्रेटेस्ट एरर यू आर मेकिंग व्हेन यू कॉल योरसेल्फ सीनर. अरे अपने आप को पापी क्यों बोलते हो? वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है. सबसे बड़ी भूल तो तुम करते हो. तुम कब करते हो? जब बोलते हो मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है. और इसीलिए कहा यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यही उनका मंत्र रहता था सब जगह, वही डिविनिटी का उन्होंने मैसेज दिया. शिकागो धर्मसभा भारत बाद भी 3-3.5 वर्षों तक वहाँ अमेरिका में रहे, विदेश में रहे, और यही संदेश दिव्यता का, आत्मा के दिव्यता का संदेश दिया. उनको अमेरिकावासी लोग मन में बहुत शांति नहीं थी, शांति का वो वेदांत का अमृत उन्होंने पिला करके उनको मन में शांति दी. वेदांत का अमृत पिलाया, कहा यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, आप दिव्य हो, आप दिव्य हो, आप पापी नहीं हो. एक बार एक अमेरिकन महिला खड़ी हो गई, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन. स्वामी जी आप हम पर हिप्नोटाइज कर रहे हो, हमेशा बोलते रहते हो आप डिवाइन हो, आप डिवाइन हो, आप डिवाइन हो. ऐसा करके उसने चार्ज किया. स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डिहिप्नोटाइज यू, बिकॉज ऑलरेडी यू आर हिप्नोटाइज. आई एम ए सीनर, आई एम ए सीनर, आई एम ए सीनर, मैं पापी हूँ, मैं पापी पापू कर अपने आप हिप्नोटाइज हो गए हो, मैं आपको डीप्नोटाइज करने आया हूँ. नो यू आर नॉट सीनर, यू आर डिवाइन. वाई? बिकॉज यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकेंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ, देर इज नो ट्रूथ ग्रेटर देन दिस. दिव्य हो, अदिव्य हो, दिव्य हो, यही वेदांत का संदेश है. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है. स्वामी विवेकानंद ने सारे वेदांत का सार एक पैराग्राफ में रख दिया राजयोगी ग्रंथ में. ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल. डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री. दिस इज द होल ऑफ रिलीजन. डॉक्ट्रिन्स, डॉगमास, रिचुअल्स, वर्शिप, टेम्पल, चर्चेज, मॉस आर बट सेकेंडरी डिटेल्स. स्वामी जी ने क्या कहा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, इररेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है, पर सुसुप्त रूप से विराजमान है परंतु पोटेंशियली डिवाइन, छुपी हुई है, अव्यक्त है. द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उस दिव्यता अंतर्निहित जो दिव्यता है उसको अभिव्यक्त करना. जब वो दिव्यता मैनिफेस्ट हो जाएगी, याद रखना द वर्ल्ड इज मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन. ये नहीं कहा आपको इंपोर्ट करना है, यू डोंट हैव टू इंपोर्ट डिविनिटी. दिव्यता आपको बैंक अकाउंट किसी बैंक में से खरीदनी नहीं है, बैंक के पैसा खर्चा करके खरीदनी नहीं है दिव्यता, या बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी कोई कंट्री से. दिव्यता है कहाँ, भीतर में है, परंतु हम उसको भूल गए हैं. वो अज्ञान का पर्दा है, उसके कारण हम भूल गए हैं. उस अज्ञान के पर्दे को दूर भर करना है बस. इस अज्ञान के पर्दे को दूर करने से जो दिव्यता भी है वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी, दैट्स ऑल. करना कुछ नहीं है. इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे,
कट को वचन मत बोल रे, तुहे पिया मिलेंगे, तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। कब? घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। घूंघट मतलब अज्ञान का पर्दा। ये अज्ञान का पर्दा जब खुल जाएगा तब अपने आप ये अनंत शांति, अनंत ज्ञान, सच्चित आनंद जो हमारा स्वरूप है, आनंद सच्चित, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत सत्य, अनंत सत्य, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, ये सब एक साथ मिल जाएगा। कब? जब ये हमारा अज्ञान का पर्दा दूर होगा। तो अज्ञान का पर्दा दूर कैसे होगा? चार उपाय है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अंत एवं बाह्य प्रकृति को वशीभूत करके उस दिव्यता का विवेक करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने पुस्तक पढ़े, किसने कितने लंबा तिलक लगाया, किसने कितना उपवास किया, ये सब गौण है, खराब नहीं है, गौण है। तो मुख्य क्या है? किसने कितने प्रमाण में अपने भीतर का अज्ञान का पर्दा दूर किया, कितना पतला हो गया अज्ञान का पर्दा साधना के द्वारा। तो चार उपाय है उस अज्ञान के पर्दे को दूर करने के। कौन कौन से चार उपाय? स्वामी जी ने बताए चार उपाय, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। एक, दो, तीन अथवा चारों योगों के समन्वय से उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। धर्म का सर्व, एवरीथिंग कंप्लीट इन इटसेल्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, होल ऑफ रिलीजन। डॉक्ट्रिन्स, डॉगमास, रिचुअल्स, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क आर बट सेकेंडरी डिटेल्स, ये सब गौण है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे भीतर में जो अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, उसको अभिव्यक्त करना, इम्पोर्ट करना नहीं। वो कैसे होगा? अज्ञान का पर्दा दूर करना पड़ेगा। अज्ञान का पर्दा कैसे दूर होगा? चार उपाय हैं। राजयोग, राजयोग का स्वामी विवेकानंद के चारों योग हैं, उन पर उनके ग्रंथ भी हैं चारों योग। तो राजयोग है वो पतंजलि योग सूत्र पर आधारित, उन्होंने राजयोग उसको कहा स्वामी विवेकानंद ने। और राजयोग का ग्रंथ आप पढ़ेंगे, इतनी सुंदर उन्होंने भूमिका लिखी है। पहले जो कुछ लेक्चर्स हैं स्वामी जी के, एकदम मॉडर्न साइंस, आधुनिक मनो, आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में वेरी रैशनल, वेरी रैशनल, बहुत ही तर्क की दृष्टि से कोई उसको काट नहीं सकता। विज्ञान को साथ में रखते हुए उन्होंने सुंदर उसका उसकी परि उसका विश्लेषण किया है राजयोग में, प्रथम कुछ चैप्टर। बाद में पातंजलि योग सूत्र जो है उनका उन्होंने सूत्रों का उन्होंने ट्रांसलेशन करके उसकी भाष्य किया है। ये राजयोग उनका ग्रंथ है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है मुख्य है, उसको अष्टांग योग भी बोलते हैं, आठ अंग है उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम है पाँच, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी पाँच है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और फिर यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर अंतिम सोपान है समाधि। तो जिस समय समाधि होती है उस समय अनंत सुख, अनंत ज्ञान मिलता है, उस समय मनुष्य उस आत्मा के साथ एक हो जाता है। उस समाधि के स्टेट को राजयोग की भाषा में समाधि कहते हैं, ज्ञान योग की भाषा में आत्म साक्षात्कार कहते हैं, भक्ति योग की साख के योग की भाषा में ईश्वर ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर दर्शन कहते हैं, या बौद्ध धर्म की भाषा में निर्वाण कहते हैं, तो जैन धर्म की भाषा में मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। ये सब एक ही बात है, अंतिम लक्ष्य ऐसी स्टेज पर पहुँचना है जहाँ अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, जो हमारा सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है। अब उसी को वो लोग अंतिम सोपान के बारे में बोलते हैं। उसके बाद फिर नथिंग रिमेन्स टू बी नोन, नथिंग रिमेन्स टू बी डन, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना कि
उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है मैनिफेस्ट द डिविनिटी। ये सब लोग भूल जाते हैं, बोल तो देते हैं कि उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरान निबोधत। स्वामी विवेकानंद ने ये जो वाक्य लिया है कठोपनिषद से लिया है। कठोपनिषद में है ये वाक्य है कि ये जो है शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त कवियो वदंती। यह जो पथ है जो आत्मज्ञान का, ये बड़ा कठिन पथ है। कितना कठिन है? शुरस्य धारा निशिता दुरत्या, तलवार के नोक पर चलने के समान कठिन है। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत् कवियो वदंती। कवियो मतलब ऋषि मुनि लोग इसको बोलते हैं, बहुत कठिन है ये मार्ग। कितना कठिन है? तलवार की नोक पर चलने के समान है। तो क्या करना चाहिए? उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागृत हो जाओ, और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो, वरान माने गुरु, गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो और आत्म साक्षात्कार करो। ये है स्वामी विवेकानंद, उसका फ्री ट्रांसलेशन किया है। Arise awake and stop not till the goal is reached। गोल तो वही है आत्म साक्षात्कार, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने यही कहा, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। कैसे मिलेगा? चार योगों का समन्वय, राजयोग, अष्टांग योग, भक्ति योग। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर को प्रेम करना, जिसको प्रेम करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता, उसको प्रेम करना। हम कितना प्रेम चाहते हैं? अनंत प्रेम चाहते हैं। अनंत प्रेम कौन दे सकता है? असीम प्रेम कौन दे सकता है? अनंत आत्मा, अनंत परमात्मा के बीच का ही प्रेम असीम हो सकता है। और प्रेम योग के ग्रंथ में स्वामी जी ने कहा है, देर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम एंड देयर मूड्स ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम एंड बोथ गोइंग टूवर्ड्स डेथ। तो देर कैन बी इन्फिनिट लव बिटवीन इन्फिनिट गॉड एंड इन्फिनिट आत्मन। तो दो आत्मा परमात्मा के बीच का जो प्रेम है वही अमर प्रेम हो सकता है, उसी का नाम भक्ति योग या प्रेम योग। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान के मंत्र का जाप करना, पूजा पाठ करना, ये सब उसमें भक्ति योग में आते हैं। फिर ज्ञान योग, अपने स्वरूप का चिंतन करना, श्रवण मनन निधि ध्यान, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या मन हूँ या बुद्धि हूँ या चित्त हूँ या अहंकार हूँ, ना ये सब कुछ नहीं। तो मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये मेरा सच्चा स्वरूप है। यह विश्लेषण करके यह है ज्ञान योग, श्रवण मनन निधि ध्यान। और चौथा क्या है? कर्म योग। तो जो कुछ भी काम है उसको करते हुए, उस कार्य को पूजा के रूप में देखते हुए, अनासक्ति पूर्वक कर्म करते हैं तो वो हमको कर्म योग बन जाता है। योग मतलब, योग मतलब आजकल योग मतलब सब व्यायाम करते हैं उसको योग बोल देते हैं, वही योग नहीं है। ठीक है, वो भी उसमें खराब कुछ नहीं है। योग करने से काफ़ी कुछ रोग ठीक हो जाते हैं या फिर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको करना चाहिए, उसके लिए उसमें कोई ना नहीं है, मना ही नहीं है। परंतु मुख्य बात है वो योग नहीं। योग का मतलब होता है परमात्मा और आत्मा का मिलन, उसको योग बोलते हैं। वो योग यदि चाहिए तो केवल योगासन करने से नहीं होगा, साथ साथ में ध्यान भी करना पड़ेगा। और ये राजयोग का भी या चारों योगों का हमको उसका पालन करना पड़ेगा। तो यह जो कर्मयोग है ये सभी लोग कर सकते हैं उसके लिए। और छोटा छोटा थोड़ा ध्यान तो सुबह शाम 5 मिनट तो सभी लोग कर सकते हैं, 5 मिनट प्रार्थना तो सभी लोग कर सकते हैं सुबह शाम, और 5 मिनट सुबह शाम सदग्रंथों का अध्ययन तो सभी लोग कर सकते हैं, यही है ज्ञान योग। तो चौथा है कर्मयोग, ये सभी कर सकते हैं और कर्म करना ही पड़ता है। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव को आपने वचनामृत में देखा है, भक्त लोग पूछते हैं स्वामी जी भगवान आपने कहा जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तो क्या हमको जंगल में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा? क्या संसार में रहते रहते गृहस्थ जीवन का पालन करते करते, हमारे सभी कार्यों को करते करते, बिना रेजिग्नेशन दिए हमारी जॉब है या हमारा बिजनेस है उसको बिना छोड़े, या हम गृहिणी है तो हमारा रसोई का काम बिना छोड़े, हमारा जो कुछ भी काम है वो करते करते क्या हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, या हमें जंगल में जाना पड़ेगा या संसार छोड़ देना पड़ेगा या हमें हिमालय में जाना पड़ेगा? तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? हाँ, अवश्य ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, गृहस्थ धर्म में भी अवश्य ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। पर एक बात याद रखना, जब नाव में पानी रहेगा, जब
पानी में नाव रहेगी तो कोई हरकत नहीं, पर जब नाव में पानी रहेगा तो नाव डूब जाएगी। तो तुम संसार में रहो कोई हरकत नहीं, पर संसार तुम्हारे मन में न रहे, मतलब संसार के प्रति आसक्ति न रहे। तो कहने का मतलब है संसार में रहो, अनासक्ति पूर्वक संसार में रहो। तो अनासक्ति संसार में कैसे रहें, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बड़े घर की दासी के समान रहो। बड़े घर की दासी जो आया रहती काम वाली, बड़े घर की मतलब जो पैसे वाली, तो पैसे वाली तो खा पी करके बड़ी मोटी हो जाती है, कुछ काम नहीं कर सकती है, तो काम वाली सब काम करती है, घर का सब घर को पोछ देती है, सब कुछ करती है, और जो सेठानी का छोटा बच्चा उसको भी वही संभालती है, क्योंकि सेठानी संभाल नहीं सकती, और ये बच्चा भी माँ के पास नहीं जाता है, काम वाली के पास जाता है, और काम वाली के साथ बहुत घुल मिल जाता है। काम वाली बोलते बेटा हरी नहा ले, वो नहा लेता है, बेटा हरी खा, बेटा खा लेता है, बेटा हरी चल स्कूल, स्कूल जाता है, वो बेटा हरी बस उसके साथ उसका एकदम केमिस्ट्री मिल गई उसकी। इधर ये भी बोलती है बेटा बेरी बेटा हरे, पर एक बात है, जब ये बोलती है काम वाली बेटा हरी नहा ले बेटा हरी खा ले, तब वो जानती है अंदर में ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी वो तो झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा, अपने मकान में कमरे में घर में बैठ के रो रहा होगा। कभी भूलती नहीं, कभी नहीं भूलती अपने उस बच्चे को, लाडले को कभी नहीं भूलती। इसको भी प्रेम करते, ऐसा नहीं प्रेम नहीं करती है, पर उसकी आसक्ति नहीं है। बच्चा आसक्त हो जाता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से उसको मालूम है मेरा बच्चा नहीं है, ये सेठानी का बच्चा है, अभी मुझे सैलरी मिल रही तब तक ये बच्चे को देखना है, कल मेरा सैलरी बदल जाएगी, दूसरा मैं दूसरी जगह नौकरी करूंगी, उस बच्चे को मेरा अपना मेरा बेटा बेटा बोलोगी, और मेरा असली बेटा तो वही है। फायदा क्या हुआ, एक बार अचानक प्लेट टूट गई और सेठानी को बड़ा गुस्सा आया, मैं जापान से लाई थी इतनी बड़ी प्लेट, इतनी सुंदर प्लेट छोड़ दिया, गेट आउट। तो वो तो हंसते हंसते चली जाती, क्योंकि काम वाली को काम तो मिल जाएगा, आजकल काम वाली मिलती नहीं है। कई बहन में जो बोलती है स्वामी जी आप आधुनिक मानो, ये जो शांति वांति टेंशन हमारा सब चला जाएगा, बस एक काम वाली अच्छी दे दीजिए, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक बस हमको काम वाली मिल जाए तो हमारा सब टेंशन चला जाएगा। मेन टेंशन वही है, काम वाली नहीं मिलती है। तो कैसी काम वाली चाहिए, बोले हमको झटपट झटपट काम करे ऐसी काम वाली चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। दूसरा कि ये इशारे में समझे, स्मार्ट होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, इशारे में समझे। तीसरा सिर्फ सामने कुछ उत्तर न दे, जो बोले सुन लेगी, ओबीडियंट रहेगी। चौथा 365 दिन एक भी दिन छुट्टी नहीं लेगी। पांचवा मिनिमम सैलरी लेगी। ऐसी काम वाली मिलती नहीं, मिलती टिकती नहीं है। जो भी हो वो सैर वो तो काम वाली चली गई हंसते हंसते, अब ये सेटरने से कुछ काम होगा नहीं। फिर बाद में फिजियोथेरेपी का बिल आया बहुत बड़ा, बोले यार तो प्लेट से तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, काम वाली मिल रही। जो भी हो वो बच्चा रो रहा है, वो उसके बिना जाता नहीं, वो काम वाले के पास जाता था, सेठानी का मानता नहीं। परंतु तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? पहले से जानती थी ये मेरा हरि नहीं है। इसीलिए भगवान ने रामकृष्ण देव ने कहा संसार में रहो, सबको प्यार करो, पर याद रखना इसमें से कोई हमारे नहीं है। एक दिन बुलावा आएगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। पछी ओचिंता यमराज न तेड़ा थसे, नहीं चाले तमारा तूफान, जीवन थोड़ू रहू तमें भावे भजी लियो भगवान, जीवन थोड़ू रहू। बहुत बढ़िया भजन है गुजराती में कि ये छोटा सा जीवन है, उसमें भगवान का नाम ले लो, कब यमराज आकर के ले जाएंगे कुछ बात में नहीं है। पर ही नहीं चाले तुम्हारा तूफान, उसे हम बोलोगे भैया मेरे को एक मिनट दे दे, भगवान का नाम लेने तो रह गया सब, बाकी सब काम हो गया, असली काम रह गया, भगवान का नाम लेने का टाइम ही नहीं मिला। बोले अब हो गया खत्म, कोटा खत्म। तो कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है, तुम्हें भावे भजी लियो भगवान, जीवन थोड़ू। तो इसलिए उस समय कभी भी बुलावा आ सकता है, तो उसको उस काम वाले को कोई पता नहीं था, क्योंकि तो बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, सबसे प्यार करो, पर याद रखना एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारा अटैचमेंट भगवान से होना चाहिए, जो भगवान सबके भीतर में है, ऐसा नहीं कि वो भगवान परे है, ही इज इन एंड थ्रू एवरी ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, जो कुछ है सब तू ही है। पर वो स्टेज अभी हमारी नहीं आई है, धीरे धीरे आएगी। अभी हमको क्या है, ईश्वर में एक रूप में ईश्वर का दर्शन करना है, फिर धीरे 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 ऐसी स्थिति आएगी जब चारों हरम ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत,
तेन तक्तेन भूंजिता माग्रिद कस्य सिद्धनम, वो स्टेज पर हम आएंगे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म की स्टेज में आएंगे, जो कुछ है तू तो ही के स्टेज में आएंगे, पर वो स्टेज बहुत देर की बात है। पर अभी हमको क्या करना है कि हम अपने इस चार योगों को पकड़ करके रखें। तो चार योगों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा योग है? स्वामी विवेकानंद को पूछा कि बोले चारों योग सर्वश्रेष्ठ, जिसको जो योग अच्छा ले, पर आपने क्या किया? तो स्वामी विवेकानंद बोले मैंने चार योग एक साथ ले लिए। तो फ्रेंच में इसे रोमारोला कहते हैं, स्वामी विवेकानंद वॉज सिंथेसाइजर ऑफ ऑल द योगास, ही रोड ऑन ऑल द फोर हॉर्सेस साइमल्टेनियसली, चारों घोड़े पर एक साथ सवार हुए। और स्वामी विवेकानंद का एक कहना है, यदि हमारी हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करनी है तो चारों योगों को समावेश करना पड़ेगा। तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी या भक्त लोग कैसे चार योग का समन्वय करते हैं, चारों योग का कैसे करते हैं? सुबह हमारे यहाँ मंगल आरती होती है, भक्ति योग हो गया, फिर हम लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, गीता पाठ करते हैं, ज्ञान योग हो गया, शाम को फिर खंडन अभवंदना जगवंदन वंदी, तो अभी अभी सांध्या प्रार्थना हुई तो भक्ति योग हो गया, फिर कथामृत का पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया, सब लोग ध्यान करते हैं, ये राजयोग हो गया, और सारा दिन कर्मयोग। सभी सन्यासियों कुछ न कुछ ड्यूटी दे दी गई है, कुछ कर्तव्य है। भक्त लोग भी फिर अब सारा दिन अपना काम करेंगे, कोई जो गृहिणी है वो रसोई का काम करेगी, कोई काम करते ऑफिस में जाएंगे, कोई बिजनेस में जाएंगे, सारा दिन काम करेगा। तो ये कितना सुंदर स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव को शांति की प्राप्ति के लिए, यही हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हम चाहते हैं अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, यदि हम चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य हम करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? चारों योग का समन्वय। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन का सिंबल प्रतीक बनाने का था, तो उन्होंने कहा प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिसमें संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो प्रकट हो जाए। तो संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? श्री रामकृष्ण के इस उपदेश को मन में रखना कि जब ईश्वर के, जब मनुष्य रूप धारण किया है तो जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। कैसे? चार योगों के समन्वय के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही इस संस्था का मूल उद्देश्य है कि ताकि सभी जितने मनुष्य हैं सारे पृथ्वी पर, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा इट मे बी दैट स्टाइल दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क अंटिल द वर्ल्ड शैल नो दैट इट इज वन विद गॉड। ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर कार्य करना मैं कभी नहीं बंद करूंगा, जब तक कि इस विश्व में एक भी व्यक्ति है जिसको इस दिव्यता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। तो ये रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य है, सभी मनुष्य उस दिव्यता को प्राप्त करके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद को प्राप्त करें। कैसे? ये चार योगों को समन्वय करके। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा रामकृष्ण मिशन का सिंबल, ये स्वामी विवेकानंद ने खुद ने इसकी डिजाइन बनाई है। डिजाइन में क्या है आप देखेंगे, एक सांप है, एक सूर्य है, कमल का फूल है, जल की लहरें हैं, भीतर में एक हंस है, नीचे क्या लिखा है? तन्नो हंस प्रचोदयात। तो कहने का मतलब है जो सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्र तक जब जाती है तो षट चक्र का भेदन करके वो जब सहस्त्र में पहुंचती है तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त होता है। और ये जो कुंडलिनी शक्ति कैसे जाती है? मूलाधार से होते हुए, सुषुम्ना के पद से होते हुए, मूलाधार से सुषुम्ना के पद से होते जाती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो बीच की जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी, उसके भीतर से मूलाधार से ये कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर आते सहस्त्र में आती तब समाधि की प्राप्ति होती है। और ये कुंडलिनी शक्ति कैसे जाती है? सर्पाकार जाती, इसलिए कुंडलिनी शक्ति राजयोग का प्रतीक है। कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है, भक्ति योग का प्रतीक है। जल की लहरें कर्म की लहरें, कर्म का योग का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान योग का प्रतीक है। नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से हंस अथवा तो परमहंस अथवा परमात्मा की प्राप्ति, कैसे? ये चार योग का समन्वय हमारे जीवन में करना पड़ेगा। तो हम लोग भी यदि हम सचमुच में जो अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? दैनिक जीवन में चारों योग का समन्वय करना पड़ेगा। प्रतिदिन सुबह थोड़ा समय ध्यान करें,
प्रतिदिन थोड़ा समय प्रार्थना करें, प्रतिदिन थोड़ा समय हम सद्ग्रंथ का अध्ययन करें, शाम को फिर उसको रिपीट करें, सारे दिन में जो भी हम काम करते हैं वो भगवत बुद्धि से करें, कर्म का फल सब ईश्वर को समर्पित कर दें, जो कुछ भी कार्य है अनासक्ति पूर्वक करें, जितनी निस्वार्थता आएगी उतना हमारा कार्य पूजा में परिणत हो जाएगा। अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन, स्वामी जी ने कहा था। तो निस्वार्थता आएगी, अनासक्ति आएगी, उतना वो कार्य वर्क विल बिकम वर्शिप, तो वो होता जाएगा, धीरे धीरे होगा, एक दो दिन की बात नहीं है, पर धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। तो चार योग का समय हम दैनिक जीवन में करेंगे, प्रतिदिन सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, प्रतिदिन थोड़ा ध्यान करेंगे, प्रतिदिन थोड़ी प्रार्थना करेंगे, जो कुछ भी कार्य है उसको पूजा के रूप में करेंगे, तो क्या होगा, अंत में जाकर के हमको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलेगा। पर दैनिक जीवन में, एवरी डे दैनिक जीवन में भी हमको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का बहुत सुंदर मार्ग, आधुनिक मानव के लिए शांति का सरलतम तरीका, चार योग का समन्वय का तरीका स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी ने दिया है। यदि हम उसका पालन कर सकेंगे, दैनिक जीवन में हमको शांति मिलेगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, जीवन का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया था, खेतली के महाराज ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी का, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द अनफोल्डमेंट ऑफ अ बीइंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। जीवन महाराजा संघर्ष है, उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष, हमेशा मनुष्य को दबा देना चाहता है, समस्या आएगी, परंतु यदि हमारे मन में शांति है, यदि हमारे मन में हमारा सशक्त है, यदि हमारा मन सशक्त है, तो सभी समस्याओं का हम बहादुरपूर्वक सामना कर सकेंगे। बहुत समस्या के बावजूद भी अपने मन की शांति को, इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन कर सकेंगे। तो ये चार योग का समन्वय, ये अब आधुनिक मानव को देन है स्वामी विवेकानंद की, उसको याद करके हम इन चार योग का समन्वय अपने जीवन में करने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य हमें दैनिक जीवन में शांति मिलेगी। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का मार्ग भी हमारे लिए प्रस्तुत हो जाएगा, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल जाएगा। तो अंत में भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेक का जीवन में ये स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनके उपदेश के अनुसार चारों योग का समन्वय हम अपने जीवन में कर सकें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें, और इन चारों का समन्वय करते अपने जीवन में उसका पालन करते हुए दैनिक जीवन में हम शांति प्राप्त कर सकें, और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति हमें दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेता विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।